told your friend you're not okay. Assalamualaikum, welcome to Inesh Vlog. So guys, बहुत welcome to आपको हमारे new vlog में. हाँ भाई, सुबह सुबह उठ गया आपका भाई. टाइम हो रहा है 10. अच्छा, हुरैन का जो है वो स्कूल कब से खुले हुए थे, तो हमें एडमिशन के लिए जाना था. मैंने कहा चलो आज ये वाला काम कर लेते हैं. आज मैं अपने स्कूल भी नहीं गया, मज़े की बात ये. तो यार सीन ये है कि बस चलते अम्मी को लेके और जाएंगे किस पे, रिपू पे अपनी. तो खैर अभी इंट्रो घुमाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या सीन है. तो ये इंट्रो वगैरह घुमा लिया है, तो सीन ये है कि छोटे बहुत क्लिप्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. ये देखिए क्या लग रही है. ओ भाई साहब, जरा क्लिप्स आप इसके एंजॉय करें. Okay, just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. भाई गेट को करो बंद और अपने रिब्बू को करो स्टार्ट. स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट होते ही हमारा काम है एसी का. और एक मिनट थोड़ी लाइट आ जाए इसके लिए, रूफ खोल देते हैं. साइड मिरर खोल देता हूँ. तो पहले लगाते हैं हम अपनी मर्जी का कुछ भी, अभी तो ये मेरा व्लॉग चल रहा है तो इसको हटाते हैं. पहले ब्लूटूथ पे लाते हैं. अबे जल्दी लग जा भाई. अबे भाई, अच्छा अबे मेरे से प्यार हो गया है तो रुको एक मिनट. ऐड चला है भाई ये किसी और के वीडियो पे. काम हम सारे कर लिए और जो भी सीनों का बताता हूँ, मिलते थोड़ी देर में, सोऊंगा अभी तुम्हें. हाँ तो भाई उठ चुका था सो के और पीसी जा रहा हूँ, तो चलते हैं. आज थोड़ा लेट हो गए तो पीसी से हम आके पीसी में मिलते हैं. बन के पीस आउट बन रही है. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ. पहुंच गया भाई, मिस्टर नईम का बेटा, जैसे भाई का बेटा, और दूसरे का नहीं पता. अच्छा जिनसे ये गलती हुई है उन आप लोगों ने चला दे, कुछ करोगे नहीं. नहीं क्या कह रहे, नीचे से दो रेंजर आ रहा है. नहीं एक्सीडेंट हुआ तुम्हारा. अच्छा बताओ हुआ क्या, बताओ लगी कहाँ ये बताओ. गाइस हमने स्टिकर चिपका दिया है. स्टिकर गाइस अभी स्टिकर चिपक रहे हैं. मैं समझा ये डरने आ गए. मैं ही देख रहा गाइस ये देखे हमने स्टिकर चिपका दिया. तो गाइस हमने अपनी प्रमोशन भी कर दी. ये भी ले सर, खाएंगे बिस्किट. अबे बिस्किट ले गया सारे. वो तो तू कुछ, अबे तू एक मुंह में और एक हाथ में ले ले ले, ये भी खा ले. नोट से भाई साहब छाप रहे थे, सर ने पकड़ लिया. सर ने कहा बेटा ये क्या बोलते सर, बोलते हैं ना, बोलते सर ये दूसरा नोट, दूसरा पेज. यही नहीं अभी और सुनिए. नोट्स वही है, पेज दूसरा है. नोट गिर गया. अभी जाके बोलते हैं बेटा स्पीड हल्की हो गई सर ने बोला बेटा स्पीड हल्की हो गई है. ठीक है
कम हो गई है, स्पीड भी क्या हुई नहीं है, छाप रहे हो, छाप रहे हो तुम पे, छाप रहे हो तुम पे। भाई चेक करो क्या क्या करेगा, तुम्हारे बाप की हराम की कमाई नहीं है, मेहनत से पढ़ता हूँ। भाई पहले निकालते हैं बाइक, भाई साहब बड़ा रश है यहाँ तो। अब ये कैसे निकलेगी यहाँ से, तो रास्ता क्लियर है, इसको हटा पहले भाई। ये मेरे दोस्त मेरे पीछे आ रहे थे शूट करना, तो उनको आज पता नहीं कहाँ शार्ट होगा, मैं तो पहुंच गया, हालांकि मैं तो उनसे स्लो चला रहा था। झूठ बोल रहा है, अभी तक तो हुआ ही नहीं, चलो घर चलता हूँ, आके बुला लेंगे। तो भाई सीन ये पीसी से मार्च होगा तो और बाहर हो रही है पॉलिटिक्स की बातें, अगर मैं वहाँ थोड़ी देर भी और बैठा ना तो मैं घर के बाहर ब्लैक डाला आ जाएगा और आके उस पर चार कार उतरेंगे, बोलेंगे सर आइए आपको मिठाई दें। तो इसलिए मैं वहाँ से उठ गया, मैंने वहाँ ब्लॉग भी बनाया, तो दोस्तों के साथ कुछ ब्लॉग बनाया, लेकिन वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था, तो मैंने थोड़ा सा जो है वो नीचे आ गया मैं, खैर। और अभी देखते हैं क्या सीन, खाना वाना खाते हैं। और अबे पापा ने बोला था दूध ले आओ, पैसे दिए थे, करप्शन टाइम, तो चलते हैं दूध लेकर आते हैं। अच्छा दूध देना जब मैं जाता हूँ तो रैन से छुप के जाता हूँ ना, वरना ये पीछे लगती है, और बाहर आपको पता है रास्ता इतना ख़राब है बारिशों की वजह से, तो मैं इससे बच के निकलता हूँ ताकि पीछे ना लग जाए। और बाइक अभी है नहीं, बाइक भैया लेके, अब कोने पर दुकान है, अब क्या मैं गाड़ी लेके जाऊँ, मेरा वो बोलेंगे बेटा सामान पैक करो स्टार्ट हो जाओ। यहाँ पे एक बच्चे के पास इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो देखते हैं अगर वो देता है तो टेस्ट करके देखते हैं उसको। अब वो तो नहीं ना, जल्दी बताओ किंडर जॉय ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा किंडर जॉय पिंक वाला लो यार, कहाँ कहाँ से ढूंढती हो चीज़ें, इधर दिखाओ तो। अच्छा लाओ ना उनको बिल तो करवा लो, ये क्या है भाई अंकल, सारी चीजें लेती है रोजाना ये, और ना ना ये नहीं देंगे, ये खट्टा है। और ये लेस हो गया, बस कितने होगा अंकल, ये चीज़ें खत्म नहीं होती, खत्म ही नहीं होती है ना, किसी को उनकी है अपनी, मेरी होती तो उनकी होती तो मैं लेना लेता, बस ये कितने होगा अंकल, बस ठीक है कर, कोई मसला नहीं, ठीक है हैप्पी। इतनी सारी चीज़ें लिए उसने, इतनी सारी चीज़ें, ये भी सही है, हम बचपन में लेते थे 10 रुपये की चीज़, और ये तो 100 से नीचे ही नहीं आती है भाई, 100 से सीधे ऊपर की फ्लाइट है। चलो चीज़ें भी गिराती जा रही, इतनी चीज़ें ले ली, गिर रही हैं चीज़ें बकायदा। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही करना, जो लोग दूसरों की खिदमत हल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ट्रस्ट खोलते हैं या कोई फाउंडेशन खोलते हैं, तो वो ख़ुद क्यों अमीर हो जाते हैं। मैं नादिर भाई की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, उन्होंने जो भी जफर भाई से पूछा कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वो खुद कैसे अमीर हो जाते हैं, ये अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट में बताएंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग बुरे हैं, लोग करप्शन कर रहे हैं, लोग जो है वो गरीबों को हक मार के खा रहे हैं, मैं मतलब ही नहीं है मेरा, मेरा मतलब ही यही है कि भाई आप मुझे बताएं ना, आप दूसरों की मदद करते करते खुद अमीर कैसे हो गए। मैं किस टॉपिक पर आ गया ब्लॉग बनाते बनाते, अच्छा सीन ये है कि अभी इसको चीज़ दिलाई है मैंने, और अम्मी बना रही है बिरयानी, अब आपको तो पता है आपका भाई ये बिरयानी लवर, तो मैंने सोचा कि अभी सो जाता हूँ क्योंकि मुझे नींद आ रही है, मैं सुबह से उठा हूँ, आपको पता है सुबह गया था मैं, सुबह का उठा उठा इंसान ना, मैं सोया था सुबह 6 बजे और सुबह 12 बजे ही उठ गया, तो अब सीन ये है कि अभी मैं सो जाऊँगा, उठूँगा, उठ के बिरयानी खाऊँगा, ब्लॉग एडिट करूँगा, फिर सो जाऊँगा। कैसा दिया, नहीं दिया अच्छा यार, मुझे पता नहीं चला कि ब्लॉग कब से HD 30 पे बन रहा था, मैं बनाता हूँ 4K 60 पे। जब भी आपको ब्राइट हो रहा होगा ना, ब्राइट में ये पिक्सल थोड़े से फट जाते हैं, होता है ब्राइट है लेकिन पिक्सल ख़राब हो जाते हैं, HD 30 पे बन रहा था अभी, पर 4K की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंट लगी। तो भाई मैंने सोचा खाना खा ही लेता हूँ क्योंकि बिरयानी तो गरम गरम खाई जाती है ना, तो खाते हैं जल्दी से अपना मज़ेदार सी बिरयानी और उसके बाद पिज़्ज़ा। रोटी वोटी मंड ली है, मतलब खाना शाना खा लिया है, बिरयानी शिरयानी खा ली है,
देखते हैं अब क्या करना है, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। तो यार इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि भाई मैं उठूँ लाइट चलाऊँ और जो वो फ्लैश के साथ व्लॉग की एंडिंग करूँ। मैंने कहा चलो यार ऐसे ही ब्लैक स्क्रीन में बोल दो। तो यार आई होप आप लोग को इसके व्लॉग भी पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को एज यूजुअल आप लोगों ने लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो एज यूजुअल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन लाजमी दबाना। सुबह सुनते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफिज़। I'm not afraid of the dark.